बाप और बेटे और अल-कुदस के नाम में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकर की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ खुदावन के हजूर। आज हम आमद के इतवारों में से दूसरे इतवार की इबादत में हम सब शरीक हैं। खुदा बड़ा मेहरबान है और उसी ने हमें ये बरकत और फजल दिया है कि हम उसकी हजूरी में आकर आज इस इबादत का हिस्सा बन सकें। इशाया नबी इस बात का ऐलान करता है, है चुनी हुई कौम देख, खुदावंद कौमों को बचाने आएगा, उसकी जलाली आवाज़ सुनकर तुम्हारे दिल खुशी से भरपूर हो जाए। आए हम भी खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। उसकी आवाज़ आज उसके कलाम से सुनेंगे, उसकी आवाज़ आज इस परस्तिश से जिसमें हम सब शरीक होते हैं, उसकी आवाज़ उसके कलाम की बदौलत हर एक दिल में उतरे। ईमान से जो दुआएं हम उसकी हजूरी में रखें वो असर करें। आए अपनी दुआओं का अजर पाने के लिए और अपनी दुआओं का जवाब पाने के लिए खुदा से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों के लिए, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ, हमारी तकसीरें हमें खुदावन से मिलने से रोकती हैं। आए उन सब के लिए खुदा के हजूर माफ़ी मांगें और तौबा करें और ईमान के साथ आज की इस इबादत का हिस्सा बने। मैं कादर मुतलिक खुदा और आपके हब के सामने करार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों ने इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा खवार सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तमास करता हूँ कि खुदावन हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगते हैं। कादर मुतलिक और रहीम खुदा, हम तेरे बेटे को खुश आमदीद कहने के लिए बेकरार हैं। बख्श दे
कि दुनियावी फ़िक्र और मसरूफियत हमें इस काम से हरगिज़ न रोकें, बल्कि आसमानी सच्चाइयों की तालीम हमें मसीह का सच्चा शागिर्द बना दे, जो तेरे साथ रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम खड़े रहेंगे। उसी मोमबत्ती को रोशन करने के लिए तो मैं आप सब की भरपूर तालियों में दावत देता हूं भाई आसफ सैमुअल को, शकील बशीर को, नदीम गौरी को, तारक खोकर को, अजीम खोकर को, आसफ ग्रिफन को कि वो आएँ और आमद की दूसरी शमा को जो है वो रोशन करें। तो आप सब की भरपूर तालियों में इन सब को दावत देता हूं कि वो आएँ और आज आमद की दूसरी शमा को जो है वो रोशन करें। तशरीफ रखते हैं, खुदा के कलाम से सुनते हैं। ठीक है, खुदावन की राह तैयार करो। पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 40 बाब 1-5 और 9-11 आयात। तसल्ली दो मेरी उम्मत को, तसल्ली दो, ये तेरे खुदावन का फरमान है, यरूशलम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी लश्कर कशी ख़त्म हुई और उसकी बदी माफ़ हुई, कि उसने अपने सब खताओं के लिए खुदावन के हाथ से जो चंद पाया। पुकारने वालों की आवाज़ बियाबान में खुदा की राह को तैयार करेगी, सहरा में हमारे खुदा की शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो नाहमवार है वो हमवार बनेगा और खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह ने फरमाया है। ऐसे ऊन मुबशर तू ऊंचे पहाड़ पर चढ़, ए यरूशलम मुबशर तू कुवत से अपनी आवाज़ बुलंद कर, उसे बुलंद कर और ना डर। यहूदा के शहरों से कह, देखो अपना खुदा, देखो मालिक खुदावंद कुवत के साथ आएगा और उसका बाजू हुक्मरानी करेगा। उसकी जजा उसके साथ है और उसका अजर उसके आगे है। चौपान की तरह वो अपना गला चराएगा और अपने बाजुओं में बड़ों को फराहम करेगा और उनको अपनी गोद में उठाएगा और दूध पिलाने वालियों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। Thank you.
का तू लश्कराता खुदा, खुदा बंदा तू लश्कराता खुदा, ठिकाना तेरा है जब का लगा, ठिकाना तेरा है जब का लगा है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पत्रस रसूल का दूसरा खत, उसका 3:8-14। हम नए आसमान और नए ज़मीन के मुंतज़िर हैं। ऐ प्यारो, ये बात हम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नज़दीक एक दिन 1,000 बरस और 1,000 बरस एक दिन के बराबर है। खुदावन अपने वादों में देर नहीं करता जैसे देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं जानता कि कोई हलाक हो, मगर ये कि सब तौबा करें। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा, उसमें अफलाक बड़े शोरोगुल के साथ ज़ायल हो जाएंगे और अनासर जल कर गुज़र हो जाएंगे, और ज़मीन उन पर कारागरों की समेत जो उस पर है जल जाएगी। पस जबकि ये सब चीज़ें गुज़र होने वाली हैं, तो तुमको पाक चलन और दीदार में कैसा बनना चाहिए, और खुदावन के उस दिन के आने के लिए मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। उसके वसीले से अफलाक चल कर गुज़र हो जाएंगे और नासर आग की तरह तेज़ी से पिघल जाएगी, मगर हम उसके वादों के मुताबिक नए आसमान और नए ज़मीन के मुंतज़िर हैं जिसमें सदाकत बसती है। इस वास्ते ऐ प्यारो, उन चीज़ों की राह देखकर सख्त कोशिश करो कि तुम उसके सामने सलामती में बेदाग और बेअहब पाए जाओ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम सब नारायण झील के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदा की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हालेलुया गाएंगे दोबारा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक तो पहला बाब पहली आयत से यीशु मसीह ने खुदा की अंजील का शुरू, जैसा यशाया नबी किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में आया और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तोबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था, और यहूदिया का तमाम मुल्क और सब यरूशलेम में निकल कर उसके पास आए, और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधे था, और टिड्डियाँ और जंगली शहद खाता था, और वास करते हुए कहता था कि वो आता है जो मुझसे जोरावर है, और मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो तुम्हें रूल कुदस में बपतिस्मा देगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब तशरीफ़ रखते हैं जी। आप सबको आमद का दूसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा इतवार खुदावंद के हजूर हम आमद का शुरू करते हैं, और दूसरे इतवार को जो शम्मा रोशन की गई है उसके ऊपर क्या लिखा है, ऊंची आवाज़ में बोलेंगे जी, पीस। पीस का मतलब क्या है? अमन। और अमन इंसान की ज़िंदगी में उस वक्त होगा जब इंसान के अपने अंदर अमन होगा, जब अपने अंदर जंग छिड़ी है, जब अपने अंदर जद्दोजहद कर रहा है, जब अपने अंदर इंसान लड़ाई लड़ रहा है, जब अपने अंदर इंसान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तब उसके अपने अंदर अमन नहीं हो सकता। और जब शैतान और खुदा की जंग जारी रहेगी, जब आप कभी खुदा के और कभी शैतान के हो जाओगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में अमन नहीं आएगा। और इसीलिए पाकमा कलीसिया आमद के दूसरे इतवार में हमें मौका देती है, हम अपनी ज़िंदगी में शांति लाएं, अमन को लाएं, सलामती को लाएं, सुकून को लाएं। और उसको लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? तौबा करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? स्वाज का मौजू जो होगा वो खुदावंद के हजूर दूसरे इतवार हम सबको दावत दी जाती है कि हम तौबा करें उन गुनाहों के लिए जो हम कर चुके, वो गुनाह जिन्होंने हमारे अंदर हलचल पैदा की है, वो गुनाह जो हमारी सलामती को रोकते हैं, वो गुनाह जो हमें खुदावंद के हजूर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम अगर हकीकी सलामती का तजर्बा करना चाहते हैं तो यीशु मसीह के करीब आए। जैसी सलामती दुनिया देती है मैं वैसी नहीं देता हूं। मेरी सलामती दुनिया की सलामती से फर्क है, वो यीशु के पास है। और जब हम उसकी आमद के मुंतजर हैं तो वो सलामती पाने के लिए आज पाकमा कलीसिया हम सबको मौका देती है कि हम खुदावंद के हजूर सलामती की तरफ गौर करें, तौबा करें। और तौबा लफ्जी नहीं है, सॉरी का लफ्ज अपने मुंह से अदा करने का नहीं है, बल्कि सॉरी के पीछे, तौबा करने के पीछे, एतराफ के पीछे, माफी मांगने के पीछे, तौबा करने के पीछे तब्दील होने की जरूरत है। लफ्जी जाहरी तौबा नहीं है, मैं तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, कानों को हाथ लगाता हूं, हाथ जोड़ता हूं। आज जो खुदा तौबा का पैगाम दे रहा है वो तौबा दिल से है, मुकम्मल तौर पर है। और उसके लिए
یونانی زبان سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے میتانویا. کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ میتانویا، مکمل طور پر توبہ کرنا، پورے دل سے، پوری جان سے. پچھلے اتوار بھی میں نے آپ کو ایک ماراناتا کا لفظ سکھایا تھا، اور اس لفظ کے ساتھ کیا لکھا تھا؟ انگلش زبان میں ہم نے سیکھا تھا کم لو جیزس کم. کیا سیکھا تھا؟ کم لو جیزس کم. یہ نعرہ مسیح ایمانداروں نے بنایا تھا جو ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے. کچھ یونانی زبان میں ماراناتا بولتے تھے، کچھ انگلش میں بولتے تھے کم لو جیزس کم، اور ہم اپنی زبان میں اے خداوند جلد آ. سو ہم خداوند کے حضور اس کے جلد آنے کی انتظاری کرتے ہیں اور اس کی انتظاری پہ باتیں کرتے ہیں. لیکن میتانویا، مکمل طور پر خدا کو قبول کرنا اور اس کے حضور توبہ کرنا. اور اسی لیے یہ کلر جو جامنی رنگ کا کلر ہے، یہ ہمیں دیا جاتا ہے جو پشیمانی کا، تبدیل ہونے کا، خدا کو قبول کرنے کا، میل ملاپ کرنے کا، خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور خدا کی طرف لوٹ آنے کا کلر ہے، تاکہ ہم اس رنگ کے ذریعے سے خداون کے حضور آمد کے اس موسم میں اپنی تیاری کر سکیں. کبھی کبھی ہم تھوڑی سی توبہ کرتے ہیں، پانچ گناہ کر لیے اور توبہ ہماری کتنی ہوگی؟ دو گناہ ہوں گی. چلو دو کی معافی مانگ لیتے ہیں، تین کی معافی مانگ لیتے ہیں، سارے گناہ یاد نہیں کرتے. لیکن خدا کے حضور ہم سب کو بتایا جاتا ہے، جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ جب رینگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلا کام کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو رکتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے. پہلا قدم اٹھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. گرنے کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر شاید دوبارہ کھڑا ہو کے دو قدم چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور قدم چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر دس قدم چلتا ہے، پھر کھڑا ہو کے تھک کے گر جاتا ہے. اور ایسے ہی ہم کمزور انسان ہیں، بار 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 ہم گناہ میں گرتے ہیں. اور ان چھوٹے بچوں سے سیکھنا چاہیے جو گرتے ہیں پر کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں. ہم بھی توبہ کرنے کی وجہ سے جب خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اس رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہمارا اور خدا کا رشتہ ہے، اس میں دڑاڑ آ جاتی ہے تو پھر ہم گرتے ہیں. اور آج اسی رشتے کو جوڑنے کا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم توبہ کر کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ لیں. اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کے لیے آج خدا ہمارے پاس ایک نبی کو بھیجتا ہے، اور اسی نبی کا اعلان 700 سال پہلے عشایہ نبی اعلان کرتا ہے، 40 باب. اور آج اس کی پہلی آیت سے جب تلاوت پڑھی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں. کس لیے بھیجنا ہے؟ تبدیلی کے لیے، توبہ کے لیے، لوٹ آنے کے لیے، واپس آنے کے لیے. اور خدا پرانے عہد نامے کے لوگوں کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے سیکھو، میں اپنا پیغمبر تمہارے آگے بھیجتا ہوں. اور پیغام کیا ہے؟ مسیح آئے گا، پیغمبر بھیجنا ہے، وہ آئے گا اور آ کر خوشخبری سنائے گا، اور پھر 700 سال کے بعد آگے چلتے ہیں، کچھ اور کم کرتے ہیں، یسوع کی طرف آتے ہیں. 400 سال اور گزر جاتے ہیں، پھر آخری نبی پرانے عہد نامے کا، جس کا تذکرہ خدا کے حضور پہلے نمبر پہ ملاکی نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ایک اور نبی جس کو قتل کیا جاتا ہے، اور قتل اس کو خدا کی ہیکل کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کا نام زکریہ ہے.
और उसका जिक्र यीशु मसीह करता है उस नबी का, और इस पुश से वो कहता है हाबल के कत्ल का भी बदला लिया जाएगा और उस नबी का भी, जकरिया का भी जो हैकल के मज़बा के सामने कत्ल किया गया, इस पुश से मैं बदला लूंगा। और उसके बाद 300 साल तक खुदा दुनिया में कोई नबी नहीं भेजता, और 300 साल के बाद एक नबी का जिक्र किया जाता है, एक नबी का तस्करा किया जाता है जो बांझ औरत से पैदा होता है। 300 साल की खामोशी के बाद और पुराने अहदनामे के लोगों को एक बार फिर एहसास दिलाया जाता है खुदा वफादार है जो तुम्हारी तब्दीली चाहता है, खुदा तोबा का तुम्हें मौका देता है, खुदा तुम्हें वापस लेके जाना चाहता है, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ़ करना चाहता है, खुदा तुम्हारी जलावतनी ख़त्म करना चाहता है, खुदा चाहता है वापस लौट आओ। कोई बता सकता है इस नबी का नाम क्या क्या है? यूहन्ना इस्तबागी, बांझ औरत। इसकी माँ का नाम क्या है? एलिजबेथ। बाप का नाम क्या है? जकरिया। इस बांझ औरत को मौका दिया जाता है और इसका ताल्लुक मुकद्दसा मरियम के उस सलाम और फरिश्ते के पैगाम में छुपा है। देख वो जो बांझ कहलाती थी एलिजबेथ, जो तेरी रिश्तेदार है, जो बांझ कहलाती थी, वो जो बांझ कहलाती थी, अब छठा महीना है, वो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ गौर करती है। और खुदा का करम इंसानों पर हुआ और फिर हम देखते हैं ये बनी इसराइल कौम जब इस नबी को देखती है, 300 साल तक कोई नबी नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई खुदा की राह सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि देखो खुदा तुमसे क्या चाहता है। और जब यूहन्ना इस्तबागी आया है, और यूहन्ना इस्तबागी का जिक्र आपने अभी खुदा के सुना है कि यूहन्ना इस्तबागी कहाँ आया है? बियाबान में आया है और गुनाहों की माफ़ी के लिए तोबा के बपतिस्मा की मुनादी करता है, और यहूदिया का तमाम मुल्क और यरूशलम के लोग निकलकर उसके पास आए, सारे लोग नबी की तालीम सुनने के लिए भाग रहे। भाग कहाँ आया? बियाबान में। बियाबान खुदा से मिलने की जगह है, बियाबान वैराना नहीं है, बियाबान खुदा से मुलाकात की जगह है। और इसीलिए खुद यीशु मसीह भी बियाबान में गया 40 दिन तक जब रोज़ा रखा, यूहन्ना इस्तबागी भी बियाबान में गया, लोग भाग कर बियाबान में, और यीशु मसीह अपना पहाड़ी वाज भी वहीं से शुरू करता है, मुबारकबादियों का तस्करा भी बियाबान में शुरू करता है, और फिर पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, वो भी बियाबान में अपने लोगों को तालीम देता है। और बियाबान खुदा से मिलने की जगह है, और लोग उसको मिलने के लिए गए। उसका नाम क्या है? नबी का नाम क्या है? ऊंची बोलें। हाँ जी, बोलेंगे दोबारा। यूहन्ना इस्तबागी, जो इस्तबाग देता है। यूहन्ना इस्तबागी को आप जानते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत जानते हैं कि नहीं? कपड़े कैसे पहनता है? हाँ, चमड़े के कपड़े पहनते हैं, ऊंट के बालों का लबास। उसकी खुराक कैसी है? टिड्डियां और शहद है। ऐसा शख्स जो बियाबान में है, बाल बड़े बड़े हैं, कपड़े उसके आधे हैं, कुछ खाल के पहने हुए हैं, ऊंट के बालों जैसा लिबास पहना हुआ है, और बियाबान में है, और वैराने में होने के बावजूद भी लोग, मुल्क पूरा भाग रहा है उसके पीछे, और आकर दो सवाल करते हैं, तू कौन है? क्या तू इलियास है? सारे लोग हैरान होते हैं, इलियास? जब यूहन्ना इस्तबागी आया तो इलियास कहाँ था? किसी को पता? इलियास कहाँ था?
जब यूहन्ना इस्तबागी आया है तो इलियास कहाँ था? आसमान पे था, वो जिंदा आसमान पे उठाया गया था। और लोग सोचते हैं वो वापस आ गया, नबियों में से वो नबी वापस आ गया शायद, और उससे सवाल करते हैं। क्यों ये सवाल किया जाता है? इसका जिक्र, उसके जिक्र जो है वो मलूक की दूसरी किताब, प्रोटेस्टेंट बाइबल में सलातीन की दूसरी किताब, पहला बाब 8वीं आयत, जिक्र किया जाता है उसकी पोशाक ऊंट के बालों जैसी थी इलियास की, उसके बाल बड़े बड़े थे, और इसके बालों को देखकर और इसकी पोशाक को देखकर सोचते थे ये तो इलियास आ गया है। हालांकि इलियास में और इसमें बड़ा फर्क है, सदियों का फर्क है। जो आसमान पर गया था वो कहते हैं शायद वो आ गया है, और वो क्या कहता है, क्या कहता है, मैं इलियास हूं, मैं इलियास नहीं हूं। अगर तू इलियास नहीं है तो फिर क्या तू अल मसीह है? तो वो कहता है मैं अल मसीह भी नहीं हूं। और अगर हमें कोई कहे कि क्या तू अल मसीह है, तो शायद हम में से कोई कह दे जी जी हाँ मैं, कोई अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक दिन एक हाथी नहा रहा था, वो काफी देर नहाता रहा नहाता रहा नहाता रहा, जब वो साफ हो गया तो हाथी पानी से बाहर निकल कर जा रहा था रास्ते में से, तो आगे उसने देखा कि गधा नीचे लेट के मट्टी के ऊपर लेट लेट के कभी इधर कभी उधर लेट के, तो हाथी की तरफ भागना शुरू कर देता है। और हाथी जब गधे के करीब आता है तो हाथी थोड़ा सा साइड पे हो जाता है ताकि ये गधा गुजर जाए। थोड़ी देर के बाद गधा अपने झुंड में पहुंचा और अपने झुंड में जाके कहते हैं अब मैं आज मैंने हाथी को डरा दिया, और सारे गधों को जाके बताता है, सारे गधे बड़ी ऊंची ऊंची हंसते हैं, वाह वाह तू तो बड़ा बहादुर निकला। और हाथियों को जब पता चला तो उसने अपने हाथी को पकड़ रखा, तू क्यों गधे से डर गया? उसने कहा मैं कहाँ डरा था, मैं तो अभी नहा के निकला था और ये मट्टी में लेट रहा था, मेरे पास से गुजर रहा था तो मैं साइड पे हो गया कि इसकी मट्टी मेरे ऊपर ना गिर जाए और मैं दोबारा गंदा ना हो जाऊं, मैं तो साइड पे हो गया। और उसने इस बात को लेकर बहाना बना लिया कि हाथी मुझसे डर गया। आजजी और इनकसारी रखने वाले लोग हमेशा बुरे लोगों से साइड पे हो जाते हैं, और बुरे लोग ये समझते हैं शायद हम बहादुर हो गए, गुनाहगार समझते हैं हम बड़े हो गए। हम ऐलान कर कर के बता रहे हैं जितने हम गंदे होते हैं उतने ही हम ज्यादा शोर डालते हैं। सो हम ये सोचते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए जितने पाकीज़ा हैं, जितने हलीम हैं, जितने फरोतन हैं, जितने आजज़ हैं, जितने खुदा के हजूर झुकने वाले हैं, जितने दुआ करने वाले हैं, जितने सजदा करने वाले हैं, वो अपनी आजजी और इनकसारी की वजह से बोलते नहीं हैं, हर बात का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम गलत होंगे तो हम बार बार शोर कर करके बताएंगे, और जिसके पास जवाब नहीं होता उसके पास शोर ही करना होता है, उसे गुस्सा आता है, और इसीलिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो इसका मतलब होता है आप गलत हैं, आप गलत हो तो इसीलिए आप शोर कर रहे हो। अगर आप गलत नहीं हो तो आपके अंदर आजजी और इंकसारी होनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। सो इस बात के लिए आज यूहन्ना इस्तबागी अपनी आजजी और इंकसारी का मजहरा करते हुए बताता है, लोग मुझे इलियास समझ रहे हैं, मैं इलियास नहीं हूं, लोग मुझे मसीहा समझ रहे हैं, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं तो पुकारने वाले की आवाज हूं, मेरा काम है ऐलान करना, मेरा काम है मसीह की आमद का ऐलान करना, मेरा काम है दुनिया को बताना वो आ रहा है, मेरा काम है बताऊं कि वो जोरावर है, मेरा काम है बताना मैं तो इस काबिल भी नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोल सकूं, मैं तो उसके जूते भी उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं तो उसके जूतों को हाथ लगाने के भी काबिल नहीं हूं। लेकिन हम सोचते हैं, कभी कभार ऐसे लोग आपको मिलेंगे और इनका तस्करा बड़ा खुदा के अंदर मौजूद भी है,
आज के दौर में भी कई लोग अपने नामों के साथ इतने इतने नाम लगा लेते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कई लोग इस बात के लिए तय कह रहे होते हैं, यीशु ने तो 3 मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तो इतने मौजज़े कर दिए, यीशु से भी ज्यादा कर दिए। मत्ती रसूल की इंजील 7वां बाब 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। फिर आएंगे लोग, दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे, ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल, और अंदर से जवाब आएगी, मैं तुमको नहीं जानता। फिर वो कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे साथ खाया पिया, हमने तेरे नाम से नबूवतें की, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया, हमने तेरे नाम से बदरुओं को निकाला, हमने तो बड़े बड़े काम तेरे सामने कर दिए। और वो कहेगा, ऐ मालूनों मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं। कभी कभी हम भी ऐसा कर रहे होते हैं, दिखावा इतना ज्यादा है हम में, हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम इस बात पर गौर भी नहीं कर सकते हैं। सो जो नारा मसीहों ने सीखा था, मारानाता का नारा, ऐ खुदावन जल्दा कम लो जीसस, ये नारा लगाते हुए हमें कितने साल हो गए हैं? यीशु मसीह उसकी इंतजारी के लिए कितने साल हो गए हैं? हाँ जी, कितने साल हो गए हैं? 2000 साल से ज्यादा हो गए हम कह रहे हैं यीशु मसीह आ। तो यीशु मसीह आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज फिर मैं आपको कह रहा हूं, आ रहा है। सो जब मसीहों ने ये नारा लगाना शुरू किया, ऐ खुदावन जल्दा जल्दा जल्दा, तो उस दौर के उस दौर के मसीहों के सामने बहुत सारे लोग खड़े हो गए। और लोग खड़े इसलिए थे, कहते थे, आप लोग हर वक्त कहते रहते हो, ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा ऐ खुदावंदा, आपका यीशु तो आ नहीं रहा। आप भी कह सकते हो 2000 साल हो गए नहीं आ रहा, कह सकते हैं कि नहीं? इंतजार हम करते जा रहे हैं। सो बहुत सारे लोग मसीहों के खिलाफ खड़े हुए, जो ये कह रहे थे कि यीशु मसीह नहीं आ रहा, जो ये कह रहे थे कि यीशु मसीह नहीं आ रहा, तो आप लोग झूठ बोलते हो। उसका जवाब देने के लिए आज की दूसरी तलावत, आपने गौर से नहीं सुनी है, आज की दूसरी तलावत आपने गौर से नहीं सुनी है, इस सवाल का जवाब मुकद्दस पतरस ने आज के कलाम के अंदर दिया था, और वो आपके लिए पढ़ता हूं ताकि हमें इस बात का अंदाजा रहे कि मुकद्दस पतरस ने हमें इस सवाल का जवाब दिया। ऐ प्यारो, ये बात तुम पर पोशीदा ना रहे जो 2000 साल से इंतजार कर रहे हो। सुनो कि खुदावन के नजदीक उसका एक दिन 1000 दिन के बराबर है, और 1000 बरस के बराबर उसका एक दिन है। 1000 बरस के बराबर उसका, तो कितने दिन रह हो गए? 2 दिन अभी हुए हैं। और बताया उस मुकद्दस पतरस ने कि परेशान ना हो, उसके आने का इंतजार करने वालों परेशान ना हो, ये तुम्हारी कैलकुलेशन है, ये तुम्हारे बनाए हुए साल और दिन हैं, खुदा के बनाए हुए साल और दिन एक हैं, उसका एक दिन 1000 बरस और 1000 बरस का एक दिन है। और इसीलिए बताया गया, खुदावंद पर भरोसा करो, खुदावंद अपने वादे का सच्चा है, वो देर ना करेगा जैसे बाज लोग तुम में से समझते हैं, बल्कि खुदावंद अगर देर करता है तो देर किस लिए करता है? उसका जवाब अभी देता हूं, वो देर क्यों करता है? हम सारे गुनाहगार हैं कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं है जो कि मैं नहीं हूं? हम सारे गुनाहगार हैं, आवाज तो दे दो, सब गुनाहगार हैं। और अगर हर एक गुनाह का जवाब और हर एक गुनाह की सजा उसी वक्त में मिलना शुरू हो जाए
तो फिर क्या होगा, हम तो सारे रोज़ पकड़े जाएंगे। हाँ, किसी की कोई चोरी करता पकड़ा गया वो कैद में होगा, कोई किसी को गालियां देता पकड़ा होगा वो किसी और सज़ा में होगा, किसी ने कत्ल किया होगा तो वो भी मारा गया होगा, किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कुछ सोचा होगा तो उसको सज़ा मिल रही होगी। सो हर रोज़ अगर खुदा हर गुनाह की हर रोज़ हमें सज़ा देना शुरू करे तो हम सारे के सारे हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे, कैद में होंगे, बुरे हालात में होंगे। लेकिन खुदावंद आज उसका जवाब देता है, मैं क्या करता हूँ? खुदावंद तुम्हारे लिए सब्र करता है, इसलिए कि वो नहीं चाहता, इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, और वो ये चाहता है, ये है कि सब तौबा करें ताकि खुदावंद का दिन सब पर चोर की तरह ना आए। सो इसलिए तौबा ज़रूरी है। वो सब का इंतज़ार करता है कोई ना कोई तौबा कर ले, कोई ना कोई खुदावंद के हुज़ूर इस बात के लिए सीख ले और खुदा के हुज़ूर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, सीख ले कि खुदा के साथ कैसे चलना है, किस तरह खुदा में ज़िंदगी गुजारनी है। और इसलिए ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा मुफक्कर है और बड़ा गुरु समझा गया है जिसका नाम शम्मस तबरेज़ी है, उसके बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे उसके, एक बहुत बड़ा गुरु रहा है हिस्ट्री में। एक दिन शम्मस तबरेज़ी अपने शागिर्दों के साथ रास्ते में जा रहा था तो गुजरते गुजरते एक नहर के करीब पहुंचा और वहां नहर के किनारे पे दूर जाके बैठ गया और अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द से कहा कि जा मेरे लिए पानी लेके आ, मैं प्यासा हूं। सो जैसे ही नहर के गिर्द करीब जाकर ये शागिर्द पहुंचने लगा तो अचानक से एक गधा गाड़ी उस नहर में से गुजरी और नहर का पानी गंदा कर दिया। अब ये शागिर्द देखता है कि मैं अपने उस्ताद के लिए पानी लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, ये तो गंदा हो गया, तो पानी गंदा हो गया तो वो बैठ जाता है, एक घंटा इंतजार करता है, फिर जाकर देखता है पानी गंदा है, दो घंटे के बाद देखता है पानी गंदा है, तीन घंटे के बाद जाकर देखता है पानी फिर भी गंदा है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि गंदा पानी नीचे बैठ जाए और मैं ऊपर से साफ पानी अपने उस्ताद के लिए लेके जाऊं। चार घंटे के इंतज़ार के बाद उस वो पानी के करीब गया तो पानी कुछ साफ था और थोड़े से इंतज़ार के बाद वहाँ से वो पानी अपने उस्ताद के लिए एक प्याला भरता है और जाके उस्ताद को पेश करता है। शम्मस तबरेज़ी उसका नाम है, शागिर्द को बताता है चार घंटे से ज़्यादा हो गए तू पानी लेने गया था और मैं उस वक्त प्यासा था। तो उसने बताया जब मैं पानी लेने गया था तो ऐसा ऐसा हुआ, गाड़ी गुजर गई, फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे इंतज़ार किया और अब मैं साफ पानी लेकर तेरे हजूर आया हूं ताकि मैं अपने उस्ताद के लिए को साफ पानी पेश कर सकूं। पानी पीने के बाद उसने अपने शागिर्दों को सारी कहानी बताई और बताया जब आपके दिमाग में गलत ख्यालात चल रहे हों, जब आपको गुस्सा आया हो, जब आप ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हों, जब आपके अंदर हलचल मची हुई हो, तब किसी के लिए कोई फैसला ना करो, वो उस गंदे पानी की तरह होगा जो उस नहर के अंदर था पानी। आप किसी को भी पानी पेश करोगे वो गंदा ही होगा, आप किसी के लिए फैसला करोगे गलत दिमाग के साथ, बुरी बातों के साथ, बुरे ख्यालात के साथ और बुरी बातों को अपने अंदर लेकर, तो फिर आपके लिए हमेशा गलत सोचोगे, गुस्सा लेकर गुस्से में बुरी बातें किसी के लिए या किसी के फैसले ना करो, इंतज़ार करो, साफ जहन के साथ, साफ जहनीत के साथ, आराम के साथ, पीस के साथ, शांति के साथ, सलामती के साथ और सुकून के साथ जब किसी का फैसला करोगे तो वो फैसला किसी के हक में भी अच्छा होगा और आपके हक में भी अच्छा होगा। और आज यूहन्ना इस तबागी सारी दुनिया को बताना चाहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें रूल कुदस से बपतिस्मा देगा। मैं तुम्हारी बातों से
और तुम्हारे ख्यालात से अपने अंदर ये शोखी महसूस नहीं करता कि मैं समझूं मैं इलियास हूँ या मैं अलमसीह हूँ। मैं तो खुदा के हुजूर बहुत ही हकीर और हलीम और फरोतन हूँ, और मैं तो आप सबको बताना चाहता हूँ मैं घटूँ और वो बढ़े। लेकिन हमारी मिसाल हमेशा उल्टी होती है, हम कहते हैं हम बड़े दूसरे घटे। और खुदावंद आज चाहता है कि हम इस बात की तरफ तवज्जो करें। आज का पैगाम जो यूहन्ना इस्तबागी का पैगाम है, देखो मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करे, पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो और उसकी शाहरा को सीधा बनाओ। हमारे गुजरांवाला में अगर कल वज़ीर आज़म ने आना हो तो क्या होगा, आज और कल तक क्या होगा बताओ जी, क्या होगा? सड़कें साफ हो जाएंगी और क्या होगा, गंद उठा लिए जाएंगे, बिजली के बल्ब लग जाएंगे, रोशनियां ठीक हो जाएंगी, हर तरफ सफाई सफाई नजर आएगी, ऐसे ही है कि नहीं? सुहामत का मौसम बता रहा है, वो आ रहा है जिसने हम सबको बनाया है, जो सारे दुनिया के बादशाहों का बादशाह है, वो जो सबसे बड़ा है। आप उसकी आमद के लिए तैयारी कैसी कर रहे हो? दुनिया का वजीर आजम, एक मुल्क का वजीर आजम आता है तो उसके लिए इतनी तैयारियां हैं, जब बादशाहों के बादशाह ने आना है तो उसके लिए तुम्हारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। सोचो मैं यीशु के लिए क्या तैयारी कर सकता हूं, और अपनी तैयारी का आगाज तौबा से करें, अपनी तैयारी का आगाज अपनी तब्दीली से करें, अपनी तैयारी का आगाज अपने अंदर इस शांति और सुकून और अमन और पीस को लेकर आएं, फिर समझ आएगी। लेकिन हमें इस बात को सीखना होगा। खुदा मेहरबान है जो आपसे हमेशा अच्छा सलूक करता है, जो आपके लिए सब्र करता है, जो आपकी ज़िंदगी को हलाक नहीं करना चाहता, आपकी ज़िंदगी का खात्मा नहीं चाहता है, वो चाहता है आप तब्दील हो और खुदा की तरफ लौट कर आओ। आए खुदा का शुक्रिया अदा करें उसकी मेहरबानियों के लिए, उसके उस फजल के लिए जिसके ज़रिए से हम खुदावंद में मजबूत होते हैं। खुदा करे कि हम अच्छे और नेक मसीह बने और खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने, और अच्छी तैयारी के साथ तौबा और तब्दीली पशेमानी और खुदा को कबूल करने के साथ हम आमद के इस दूसरे इतवार का हिस्सा बने और खुदावन के हुजूर उसकी आमद के मुंतज़र रहें। खुदा हमें और हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदानों को और हमारे मुल्क को अपनी बरकतों से मालामाल करे, मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं खुदावन के हुजूर और अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा, और कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के दहने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावन की नज़र करें। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावन मेहरबान बाप पापा आज़म को अपनी बरकतों से मालामाल करें। खुदावन हमने अच्छी सेहत दे, खुदावन उनके साथ हो ताकि वो बेहतर तरीके से कलीसिया की रहनुमाई करते जाएं। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन, दुआ करते हैं आज शाहिद खोखर, शकीब खोखर, ताहिर महमूद, सराफीन, सुहेल तोफ़ैल, सुलेमान तोफ़ैल,
इरफान तुफैल, आमर तुफैल, नायाब विलियम, वाइज नईम, सादक गिल, सुनील गिल, सजाद गिल, अशबान संधु, आफ्ताब बाबर, फरहान संधु, जिशान आबद, शहराज आबद, सबा आबद, रहीला अदील, शमाइल, सहर सुनील, मैथ्यू नदीम के लिए खुदा इन सब को और इनके घरानों को बरकत अता करे और इनकी शुक्रगुजारियों को अपनी पाक हुज़ूरी में कबूल करे। अज़ीज़ो, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज शरीफा बीबी के लिए, जमीला चार्लिस के लिए, फरजाना इफ्तखार, काशिर जॉन, परवेज़ एंथनी और रबीना यूसुफ के लिए। खुदा अपने इन बच्चों पर अपना दस्से कादर बढ़ा कर इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। जदाउन नदीम के लिए दुआ करेंगे। खुदा अपने बेटे को बड़ी बरकत बख्शे, उसके तमाम नेक इरादों को पूरा करे और बड़ी बरकत उसे अता करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो बे औलाद हैं, ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं मुबीन जमान के लिए, मोरस चांद, चंदा तनवीर और सलोमी नदीम के लिए। खुदा इन बच्चों पर अपना दस्से कादर बढ़ा कर इन्हें औलाद अता करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। आज की पाक इबादत में उन तमाम मरहूमीन के लिए भी दुआ करेंगे, बाबू गुलजार एंथनी, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, जोसेफ गुलजार, बाबू शकील, जुबैदा बीबी, आशिक मसीह, अनवर खोखर, खुरम जावेद, तोफैल लाल, यूसुफ गिल, नाहिद लियाकत, शौकत मसीह, बाबू जॉन रफाइल, लवीज़ा जॉन, अनायत संधु, इरम तबस्सम, इतरदीन, यूसुफ जेम्स, लेबेरियस सलीम गिल के लिए। कि खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगजीदा लोगों में शामिल करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावंद उन्हें रूहुल कुद्स से ममूर रखे और उनकी हिफाजत करे, ताकि उनकी क़ियादत में आलमगीर कलीसिया ईमानी तरक्की और रूहानी शादमानी पाए। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें फजीलत माप आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के लिए कि खुदावंद उन्हें अपनी बरकात से नवाजे, ताकि उनकी जापानी क़ियादत में आर्च डायसिस तरक्की की राहों पर गामजन रहे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें हाजिर मोमिनीन के लिए कि खुदावंद सब को अपना फजल अता करे, ताकि सब खुदा के कलाम से रोशनी पाते हुए बातनी तब्दीली और खुदावंद की कुर्बत हासिल करें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें बीमारों के लिए कि खुदा उन पर मेहरबान हो और उन्हें सेहत सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें उन तमाम मोमिनीन के लिए जो इस नए चर्च की तामीर के लिए हदिये और नजराने पेश करते हैं, कि खुदा इनको और इनके ख़ानदानों को खुशी, सलामती और कामयाबी अता फरमाए। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदावंद से दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। खुदावंद हमारे मुल्क में इस्तकाम पैदा करे और तमाम सियासी रहनुमाओं को खुदा बसीरत दे, ताकि वो आवाम की बेहतरी और तरक्की के लिए अपना करदार अदा करें और खुदावंद पाकिस्तान में इस्तकाम पैदा करे। अज़ीज़ो, दुआ मांगे। उन तमाम इलाकों के लिए दुआ करते हैं जहाँ पर जंग जदल है, जहाँ अमन की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर रूस और यूक्रेन के लिए,
غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے کشمیر کے علاقوں میں جہاں جنگ جاری ہے، مختلف علاقے جہاں پر لوگ مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں، خداوند جو امن کا شہزادہ ہے وہاں پر امن قائم کرے۔ عزیزو دعا مانگے۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخشنے کے ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ جو لوگ اپنے نذرانے کسی بھی صورت میں لے کر آئے ہیں بابو نعیم کے علاقے سے، وہ ترتیب کے ساتھ اس گیت دوران لائن میں آ جائیں۔ Thank you.
जिसने नूर बनाए रहमत हो
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم خاکساروں کی دعائیں اور نذرانے قبول کر کے ہم سے راضی ہو، اور چونکہ ہم میں کوئی خاص فضیلت موجود نہیں تو اپنی شفقت اور مہربانی سے ہماری مدد کو آ، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں، یہ واجب اور درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ جب وہ پہلے آیا تو اس نے حلیمی کے ساتھ بشریت اختیار کر کے پرانے عہد کا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیشہ کی نجات کی راہ ہمارے لیے کھول دی۔ جب وہ اپنے جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا تو ہم بیداروں کی امید کے مطابق وہ نئے عہد کا وعدہ بھی پورا کر دے گا۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام بشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے ممور ہیں، عالم بالا پر ہوشیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ سے آتی ہے، ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح قدس تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ سب مل کر یسوع کے پاک بدن کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ سب مل کر یسوع کے پاک خون کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا بیل، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر، اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسیس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر، ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کا ماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔
उसी के ज़रिए उसी के साथ और उसी में तुच्छ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और तज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना चाहिए तेरी बात सही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आसमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सबदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। ऐ खुदावन यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो आपके साथ भी हो ये सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शरक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत कर। यीशु मसीह मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सजा का बाइस ना हो बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म रूह की हिफाजत करे हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ो या खुदावन यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है मुबारक हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाल लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे आमीन। मेहरबानी करके जो पहले पाक शराकत लेते हैं जिन्होंने पहली पाक शराकत का सैक्रमेंट हासिल किया हुआ है सिर्फ वही पाक शराकत के लिए आएंगे बाकी सब क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे।
के दर्द का सोकर शशान मेरी मेरा खुदा क्यों है इतना बेचैनी क्यों जानिए गिरती जाती है होगा किस दिन दीदार तेरा कब हो
से खाली दो, खाली भी मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबों को सबसे पहले आमद का ये दूसरा इतवार ज़ोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। चंद एक ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले शादी के लिए पुकारें। लड़के का नाम है एहसन यूसुफ, वालदैन है यूसुफ और नुसरत, पीपल्स कलोनी गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कंवारा। शादी करेगा रज़िया अरशद, वालदैन अरशद और परवीन, गुलशन इकबाल कराची के रहने वाली, हालत कुमारी के साथ। इनके निकाह की तारीख है 28 दिसंबर। लड़के का नाम है इमरान, वालदैन है अदरीस और बशीरान, दसगी टाउन फतोमंड का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा सुंबल, वालदैन है यूनस और मुमताज़, सलीम कलोनी के रहने वाले के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 17 दिसंबर। लड़के का नाम है शाहजेब, वालदैन है यूसुफ और परवीन, अलीनगर तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा शमा सलीम, वालदैन है सलीम शहराज और लवीज़ा, गुलजार कलोनी के रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 28 दिसंबर। लड़के का नाम है अनिल इकबाल, वालदे हैं नईम इकबाल और जोसफिन मॉरस, गुलजार कलोनी गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा आसमा, वालदेन हैं इमैनुअल और रज़िया, बुर्ज अराइया तहसील डस्का ज़िला सियालकोट की रहने वाली के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख 16 दिसंबर है। लड़के का नाम है नबील, वालदैन इम्तियाज़ और फौजिया, सिविल लाइन गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा इरम, वालदैन है वारिस और परवीन, गुलजार कलोनी सियालकोट रोड गुजरांवाला की रहने वाली, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है वो 28 दिसंबर है। लड़के का नाम है सुनील खोखर, वालदैन है इसहाक खोखर और शिला, रत्ता रोड साबरी चौक गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा माहम, वालदैन इकबाल और रेहाना, फैज़ाबाद तहसील कामों की ज़िला गुजरांवाला की रहने वाली के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख जो है 27 दिसंबर है। शमाइल जवेद, वालदैन है शमाइल जवेद, वालदैन जवेद समीना अफजल कलोनी गुजरांवाला की रहने वाली के साथ, हालत कुमारी। इनके निकाह की तारीख है 26 दिसंबर। लड़के का नाम है जिशान, वालदैन सुहेल और सीमा, शहीन आबाद गुजरांवाला का रहने वाला, हालत कुमारा। शादी करेगा नोमी, वालदैन है जॉर्ज और सीमा,
मलक पार्क सुईगैस रोड की रहने वाली किसार हालत कुमारी, इनके निकाह की तारीख जो है वो 20 जनवरी 2024 है। लड़के का नाम है शकील, वालदैन है मुनीर और फहमीदा, अलिया आबाद फतोमन का रहने वाला हालत कुमारा, शादी करेगा सादिया। वालदैन है असलम और रानी, अलीपुर चट्टा गुजरांवाला की रहने वाली के साथ, इनके निकाह की तारीख जो है वो 6 जनवरी 2024 है। लड़के का नाम है साजिद, वालदैन है जेम्स और सकीना, किला दीदार सिंह का रहने वाला हालत कुमारा, शादी करेगा तानिया। वालदैन है मुनीर और फहमीदा, अलिया आबाद फतोमंड की रहने वाली के साथ हालत कुमारी, इनके निकाह की तारीख 7 जनवरी 2024 है। मेरे जीजो, अगर इन पुकारों में कोई शरी या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप सब लोग वक्त से पहले जो है वो ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ऐलानात में सबसे पहले, आज इसी माह का दूसरा इतवार है और आप सब जानते हैं हर महीने के दूसरे इतवार को बच्चों को पाक बपतिस्मा का सैक्रमेंट दिया जाता है। जो घराने अपने बच्चों को बपतिस्मा का सैक्रमेंट दिलवाने के लिए लाए हैं वो आखिरी बरकत के बाद बाबूजी को अपने बच्चों के नाम लिखवाएं। आने वाला इतवार आमद का तीसरा इतवार है और ये इतवार जो है बाबू फारिस और उनकी कलीसिया के लिए वक्त होगा कि वो खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद के हुजूर अपने नजरानों शुक्रानों के साथ अपने आप को खुदावंद की नज़र करें। गुलजार कलोनी, अजीज़ कलोनी, खोखर के इस्लाम कलोनी और ये पीछे जो है डेल्टा रोड, ये जितने भी इलाका जात हैं बाबू फारिस के, सबसे गुजारिश है कि वक्त पे आएँ और भरपूर तैयारी के साथ अपने आप को खुदावंद की नज़र करें। आमद का चौथा इतवार जो कि 24 दिसंबर को होगा, ये मेरे इलाका जात की जितनी भी कलीसिया है उनके लिए ये वक्त होगा कि वो खुशी और शादमानी के साथ खुदावंद के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद की नज़र करें। मेरे जिजो, चर्च की तमीर का काम जो है वो जारी और सारी है। आप सब जानते हैं, बाहर भी आप देख रहे हैं और इस हफ्ते ये ऑल्टर के सामने जो मार्बल लगा है अभी काम हो रहा है, इस हफ्ते ये मुकम्मल हो जाएगा आने वाले हफ्ते तक। तो ये सेंटर में जो मार्बल सामने लगा है ये इसी हफ्ते में काम हो रहा है और बाहर भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सा काम है अभी चर्च का जो होना है, इसे बहुत खूबसूरत बनना है। तो ये आपके तामन, आपकी कोशिश कावश और आपकी ज़ाती दिलचस्पी और ईमानी जोश की बदौलत ही मुमकिन हो सकता है। आज चर्च की तमीर के लिए मैथ्यू नदीम रावाली से, जिन्होंने 500 रुपये दिए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले दिनों में शमाउन इमैनुअल फतोमंड से उन्होंने 20,000 रुपये दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं पिछले दिनों में हमारे भाई डेल्टा रोड से ताहिर महमूद और हमारी बहन सराफिन, इनके ख़ानदान घराने ने चर्च के 7 बेंचेस के लिए अपना हदिया पेश किया। हम ज़ोरदार तालियों के साथ इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सब से भी भरपूर उम्मीद करते हैं कि हम सब इसी तरह खुदावंद के घर को पाया तकमील को पुंछाने में अपना अपना हिस्सा ज़रूर खुदावंद की नज़र करें। मेरे जीजो, आने वाला इतवार जो तीसरा इतवार है, ये तीसरी मोमबत्ती जो गुलाबी रंग की है जो खुशी की अलामत है, हम ये इतवार मनाएंगे। तो जैसा कि फादर जी ने शुरू में भी आपको बताया था ईद यसु बादशाह के रोज़ के जो लोग जिन्होंने यहाँ चर्च में पर्चियाँ ली थी राशन के लिए, जिसके ऊपर लिखा गया था आटा चीनी चाय या ऑयल वगैरह, सबको याद है कि नहीं जी? आवाज़ थोड़ी है, याद है, शाबाश। तो आने वाले इतवार तक ज़रूर खुशी और के साथ, ये खुशी का इतवार है तो हम खुशी और शादमानी के साथ अपना ये हिस्सा खुदावंद के घर लाएं, ताकि हमारा ये हिस्सा किसी और ज़रूरतमंद के पास जाए और हम खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल हासिल करें। तो बराए मेहरबानी, क्योंकि हमने 22 तारीख को ये जो आप जो कुछ राशन देंगे ये हम डिवाइड करेंगे उन ख़ानदानों घरानों में जो इसके मुस्तहिक हैं। तो आपसे गुजारिश है आने वाले इतवार तक या इस पूरे हफ्ते में जब भी आपको मौका मिले आप पैरिश में अपना ये हिस्सा ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, गुजारिश करते हैं नौजवान बच्चियों से, बच्चों से,
जो क्वायर में अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकते हैं, जो शौक़ रखते हैं, जो अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं। हमारी गुजारिश है लड़के कम हो गए हैं कुछ, तो खुदा से दुआ भी करें कि वो लड़के फराहम करें हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश भी है कि जो नौजवान बेटे हैं, ख़ास तौर पे जवान बच्चे हैं मेरी, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश करें, क्योंकि क्वायर की खिदमत दोहरी इबादत है। जब हम गा के प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, तो ये डबल इबादत है, तो ये बहुत बड़ी बरकत है। तो इसलिए खुशी के साथ अपने आप को पेश करें। लॉटरी टिकट के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा, तमाम मुनासिबान के पास लॉटरी टिकट्स जो है वो मौजूद हैं। किस किस ने ले लिए, कोई बता सकता है, कोई हाथ खड़ा करे कितने लोगों ने लिए? अच्छा, ये न्यू ईयर को नहीं, अभी होगी, ये 14 को प्रोग्राम है हमारा एक, तो प्लीज़ कोशिश करें, अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, तो ज़्यादा नहीं, अगर एक टिकट भी आप लें, एक भी टिकट आप लें तो ज़्यादा ना, तो मेरा ख्याल है ये सारा क्लियर हो सकता है। तो कोशिश करें, ये 2-3 दिन रह गए हैं, ज़रूर जब बाबू जी आए तो आप उनसे एक टिकट जो है वो आप ज़रूर हासिल करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। चंद ज़रूरी अनाउंसमेंट्स मुझे करनी है। अगला इतवार ख़ास तौर पर हम बुज़ुर्गों के लिए मखसूस करेंगे, और आपको पता है आप अपने बुज़ुर्गों को जो चर्च में नहीं आ सकते हैं, प्लीज़ उनको लाएं। माँ बाप को ज़रूर यहाँ पर लाएं, और ख़ास तौर पर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है, 60 साल, 70 साल, 80, उससे ज़्यादा जो नहीं आ सकते हैं उनको ज़रूर लाएं। और प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें कितने लोग अपने माँ बाप को लेके आएंगे, ताकि हम उनका दोपहर का खाना भी उनको देंगे। खुशी के साथ हम चाहेंगे क्रिसमस की खुशियाँ हम बुज़ुर्गों के साथ जो है वो मनाएं। बच्चों के साथ सारे मनाते हैं, नौजवानों के साथ सारे मनाते हैं, और इसलिए अगले इतवार हम 17 तारीख को बुज़ुर्गों के साथ चाहेंगे पहाड़ी के सामने, उनकी गेम्स भी होंगी बुज़ुर्गों की, और बुज़ुर्गों के लिए खाना भी होगा। ज़रूर उनको लेके आएँ, और ज़रूर खुदा हमारे बुज़ुर्गों के वसीला से बरकतें देता है, तो ज़रूर हम चाहेंगे ख़वातीन और मर्द बुज़ुर्ग सारे जो हैं वो खुदावंद के हुज़ूर ज़रूर उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इबादत के बाद उनके प्रोग्राम्स होगा, गेम्स होंगी, क्रिसमस के हवाले से उनके प्रोग्राम्स होंगे, और उसके बाद फिर हम मिलकर खुशियाँ मनाते हुए उनके साथ खाने में शरीक होंगे। तो ज़रूर इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे बुज़ुर्ग खुदावन के ज़ूर आ सकें। आज बाबू नईम के साथ मिलकर उनकी सारी कलीसिया ने आज की इस इबादत की भरपूर तरीके से मदद की है, और सारा प्रोग्राम को तरतीब दिया है। भरपूर तालियों में सारी कलीसिया का और बाबूजी का शुक्रिया अदा करते हैं। टिकटों की बात हो रही थी, तो 14 तारीख को जुम्मे रात के रोज़ दोपहर 1 बजे एक बहुत रंगारंग प्रोग्राम जो है हमारे इस बड़े ग्राउंड में होगा। ख़वातीन मर्द हजरात सबको इजाज़त है आने की, और झूले भी लगेंगे, गेम्स भी होंगी, बच्चों का प्रोग्राम भी होगा। टिकट्स जो है वो 100 रुपये की है, और उसके अंदर मोटरसाइकिल है, पहला इनाम। अट्रैक्शन बाबूजी ने कम दी है ना, इसलिए लोग ख़रीद नहीं रहे हैं। सो 100 रुपये में मोटरसाइकिल है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर्स हैं, ओवन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर के इस्तेमाल की हैं। और इस प्रोग्राम को हमारे लसाल ब्रदर्स और सेंट जोसेफ स्कूल की इंतज़ामिया ने अहतमाम किया है। चर्च की तरफ से हम मुनाद साहबान और पैरिश का जो कम्युनिटी है ये भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और अनामात गेम्स के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे आप तक जाएं, और आप हमारे साथ खुशियों का ये दिन जो है ये जुमेरात को दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक होगा। सो ज़रूर आप आ सकते हैं, किसी भी वक्त में तशरीफ़ ला सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जितना खुशियों का अहतमाम कर सकें उसमें आपके लिए ज़रूर मदद हो, और आप ज़रूर इन खुशियों में शरीक हो सकें, क्योंकि आने वाला इतवार जो है वो खुशियों का है। तो इस हफ्ते में हमें खुशियों की तरफ बढ़ना है, ताकि हम ज़्यादा खुशियाँ मना सकें। इसके साथ साथ आप सबको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वैसे हमारे नौजवानों के प्रोग्राम्स जारी हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट नौजवानों का जारी है, जो 24वां क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है,
और आज भी बहुत सारे नौजवान हमारे इबादत में शरीक हैं। वैसे भी हर रोज़ यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला होता है, हंगामा होता है, आज भी इबादत के बाद बाकी के मैचेस जारी रहेंगे और मेरा ख्याल है 4 मैचेस आज हैं। ज़रूर आप देखना चाहें तो आपके लिए मौका है 5 PM तक। ये हर रोज़ नौजवानों के लिए इंतज़ाम है कि नौजवान इन खुशियों में शरीक हो सकें और हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। आप सबको जो पर्चियाँ का जिक्र किया था, मैं बहुत सारा सामान मैंने जाती दफ़ा आप देख सकते हैं, मैं अभी जो स्लिम क्लोनी से इबादत करवा के हैं उसका सारा सामान वो बाहर मैंने टेबल पे जानबूझ के रखवाया था ताकि आपको नज़र आए कि लोग दे रहे हैं। पिछले साल हमने 200 खानदानों की मदद की थी, इस साल अभी तक तो मेरे दो भाइयों ने अभी तक जिक्र किया है, एक अशरफ जेम्स हैं और एक भाई लाजर हैं, जिन्होंने कहा कि हम 10-10 खानदानों को देंगे। आप के पास जो पर्चियाँ हैं उनके मुताबिक भी देंगे तो बहुत हो जाएगा और ज़ाती तौर पे खुदा आपको बरकत देता है, तो आप 1-2 खानदान 3 खानदानों वैसे ही पूरे राशन की चीज़ें भी ला के दे सकते हैं। वैसे खुदा तौफीक दे तो आप 10 किलो के जो आटे का थैला है वो ज़्यादा ला देंगे तो हम ज़्यादा खानदानों तक वो पहुँचा सकेंगे। तो आपकी मदद, आपके तामन और आपकी दुआओं के साथ बहुत सारे काम खुदा मुकम्मल करता है, तो इसलिए ज़रूर खुदावन के हुज़ूर इस नेक काम को जारी और सारी रखना चाहिए। क्रिसमस की खुशियाँ यही हैं, हम दूसरों को खुशी दें। सो इसलिए वो जो मुस्तक हैं, जो गरीब ख़ानदान हैं, उन तक आपके ये नजराने पहुँचेंगे तो ज़रूर उसके वसीला से खुदा आपके घरानों को बरकत देगा। तो ये मत सोचें कि मैंने खा जाना है, मेरे पास बहुत है खाने के लिए, ठीक है, और ना मैं खा के मोटा होना चाहता, ठीक है। ज़रूर हम अच्छे तरीके से खुदा के ज़ोर उसकी शुक्रगुजारी करें। बहुत सारा काम जो चर्च का हमें पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ये छोटे छोटे काम हर रोज़ पता नहीं कितने आपको नज़र भी नहीं आते हैं, कई दफ़ा ये छोटी छोटी सी स्कॉटिंग आप देखते हैं उस तरफ लगी है, इस तरफ नहीं लगी, अभी लग रही है, अभी इसकी जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इसको चमकना है, इसकी चमक नहीं है, अभी इसके ऊपर 7 या 8 दफ़ा रगड़ाई होनी है, अभी ये सारी चीज़ें पॉलिश होनी है, यहाँ पे स्टैचूज आने हैं, बहुत सारी चीज़ें शीशे लगने हैं, दरवाजे लगने हैं, बाहर का बहुत सारा काम जो है वो होना है। और ज़रूर इसमें सबसे पहले आपकी दुआओं की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग तामन कर रहे हैं, खुदा करेगा और बेंचेस अभी बनने हैं, मैं चाहूँगा कि और को कम से कम 50 बेंच और बन जाएं तो ये सारे लोग भी ऊपर बैठ सकेंगे, ठीक है। और आपने देखा है कुछ बेंचेस के नीचे घुटने टेकने वाली जगह बन गई है, वो पे घुटने टेकने की वो बेंचेस छोटे छोटे से बन गए हैं, इस्तेमाल करने हो तो ज़रूर करें, नहीं करने तो उनको ऊपर कर सकते हैं, फोल्डिंग वाले हैं ताकि हमारी मिट्टी जो है पाँव की वो उसको ना लगे और वो साफ़ रहें। इस साइड के बेंचेस पे भी बहुत सारों पे लगने वाले हैं, तो ये काम भी इस हफ़्ते में मुकम्मल हो जाएगा और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हर हफ्ते खुदा के फजल से और आपकी दुआओं से हम लाखों रुपए जो हैं खुदावन के हजूर इस घर पे लगा रहे हैं। और अभी मैं इसीलिए फिर कहता हूँ कि जैसे जैसे ये आगे आने वाले दिन होंगे हमारा गिरजाघर और ख़ूबसूरत होगा और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द इसको मुकम्मल करके और फिर इसकी जो ख़ास तौर पर बरकत जो है उसका बड़ा अहतमाम करेंगे और उसकी बरकत के लिए खुदावंद के ज़ोर ज़रूर मैं अभी से कहना चाहूँगा कि पापा ही सफ़ीर को बुलाएंगे ताकि वो बिशप साहब के साथ आए और पोप साहब के सफ़ीर जो हैं वो हमारे गिरजाघर को बरकत देंगे। तो ज़रूर इसके लिए आप दुआ करें और खुदा वो वक्त सब के लिए लाए ताकि हम इसी तरह अपने गिरजाघर के वसीला से बरकत पाते जाएं। बहुत सारे लोग जो चाहेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे पास लफाफे नहीं हैं और क्रिसमस और नए साल के लिए भी आप लफाफे लेना चाहें तो जाती दफ़ा आपको गेट के ऊपर मिल सकेंगे, तो ज़रूर खाली लफाफे लेके जाएं, ज़रूर खुदा के घर के लिए और आप अपना हिस्सा जो है वो अदब और एहतराम के साथ भी खुदा की हजूरी में पेश कर सकते हैं। सब खड़े होते हैं खुदावन की हजूरी में। ऐ यरूशलम, उठ और बुलंद जगह पर खड़े होकर उस खुशी को देख जो खुदावन की तरफ से तेरे लिए आ रही है। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तूने हमें रूहानी खुराक खिलाकर हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं। इस पाक इबादत में शरीक होने से हमें सिखा,
कि हम इस यहाँ की चीज़ों को अकलमंदी के साथ जांच लें और आसमान की चीज़ों की तमन्ना करें मसीह खुदावंद के वसीला से। तीन बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ेंगे आज। अमन की शम्मा जलाई है, पूरी दुनिया में अमन और सलामती मांगेंगे एक सलाम मरियम के ज़रिए से। आपके ख़ानदानों की सलामती के लिए दूसरी बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ेंगे। और तीसरी बार सब फादर्स के लिए, कल हम सारे फादर्स इकट्ठे होंगे, कल हमारा दुआ का दिन है, सुबह से लेकर शाम तक हम दुआ में होंगे सारे फादर्स। हम भी सारे आमद के दिनों में एतराफ़ करेंगे, कल सारा दिन दुआ करेंगे ताकि आने वाला वक्त जो है और क्रिसमस की खुशियाँ हम सारे अच्छे तरीके से आप सब के साथ मना सकें। तो आएँ ईमान के साथ तीन बार सलाम मरियम की दुआ पढ़ते हैं। सलाम ए मरियम, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगरों के वास्ते दुआ कर आप और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगरों के वास्ते दुआ कर आप और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम नगरों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सरों को झुकाते हैं और बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं, खुदा का शुक्र हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मिलना है मुझे तो मैं यहाँ पे मिल सकूँगा, बाहर फिर उसके बाद मुश्किल होता है। उसके बाद हम बपतिस्मा की रस्म करेंगे।